मैं डॉक्टर वीना चौरसिया इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रिपरेशन ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम का प्रोसीजर बताऊंगी। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स लार्ज साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। ये एंडोमाइटोसिस में सेल डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होता है और इस कारण से थाउजेंड्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स एक साथ आ जाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप पॉलीटिन क्रोमोसोम फॉर्म होता है। पॉलीटिन क्रोमोसोम्स को सबसे पहले ईजी बाल्बियानी ने 1881 में रिपोर्ट किया था। ये डिप्टेरन फ्लाइज में पाया जाता है। डिप्टेरन फ्लाइज एग्जाम्पल्स हैं ड्रोसोफिला, कायरोनोमस, रिंकोसियारा एक्सेट्रा। इस प्रैक्टिकल में हम पॉलीटिन क्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला लार्वा से प्रिपेयर करेंगे। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जिसे फ्रूट फ्लाइज भी कहते हैं, इसको आसानी से लैब में कल्चर किया जा सकता है। ये देखिए, ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, ये मेल है और ये फीमेल है। आप इसमें सबसे पहले मैं आपको इनके बीच में जो मेल एंड फीमेल को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे या इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस आप ये देखिए मेल और फीमेल के बीच में। मेल का जो पोस्टीरियर मोस्ट जो पार्ट है एब्डोमेन का, वो बहुत डार्क होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। दूसरा डिफरेंस है इनके एब्डोमेन के लेंथ में। अभी देखिए, फीमेल का जो एब्डोमेन है, इट अपीयर्स एलोंगेटेड इन कंपैरिजन टू मेल, है ना। एब्डोमेन जो है ये लंबा सा दिख रहा है फीमेल के अंदर, जबकि मेल में ये इन कंपैरिजन टू फीमेल छोटा होता है। अगेन, अब आप इसके एब्डोमेन को देखिए, जो फीमेल का एब्डोमेन है वो नीचे से पॉइंटेड होता है, जबकि मेल का एब्डोमेन जो होता है नीचे से ब्लंट होता है। ये जो डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया एब्डोमेन में, ये तो आप नेकेड आई से आप इसको आराम से देख करके समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस के अंदर आपको दिखाई देगा। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है प्रेजेंस ऑफ सेक्स कॉम्ब इन मेल्स। मेल्स में जो फ्रंट लेग होता है, पहला जो लेग होता है, उसके फोर्थ सेगमेंट में एक कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे सेक्स कॉम्ब कहते हैं, जो कि सिर्फ मेल्स में ही मिलता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, ये फोर्थ सेगमेंट में मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में ये कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ मेल्स में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके जेनिटेलियाज में भी डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल्स में ओवी पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, जबकि इसके मेल काउंटर पार्ट में एक सैडल शेप का पार्ट होता है मेल में, जिसको ई पेंड्रियम कहते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला में। अब पॉलीटिन क्रोमोसोम के प्रिपरेशन के लिए हमें पहले इसका एक कल्चर बनाना पड़ेगा। जनरली हम लैब में अगार कल्चर बनाते हैं, जो अगार और जो गुड़ होता है, ईस्ट होता है, इसके डिफरेंट प्रोपोर्शन से इसको बनाया जा सकता है और इसके अंदर ड्रोसोफिला को कल्चर किया जाता है। और ड्रोसोफिला एक बहुत ही आइडियल ऑर्गेनिज्म है फॉर जेनेटिक स्टडी, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वह बहुत शॉर्ट होता है, और 10 डेज में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और इसमें काफ़ी वेरिएशंस भी पाया जाता है, तो हम इसको इजीली लैब में कल्चर कर सकते हैं। ड्रोसोफिला में फुल मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि ये होलो मेटाबोलस इंसेक्ट है, और इसके जो लाइफ साइकिल है, इसको हम 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एम्ब्रियो, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें जो लार्वल स्टेज है वो हमारे जो है पॉलीटिन क्रोमोसोम के स्लाइड प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब ये जो लार्वा होता है, इसके अंदर भी 4 स्टेजेस होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकंड इंस्टार लार्वा, थर्ड इंस्टार लार्वा और प्री प्यूपा। तो इसमें जो थर्ड इंस्टार लार्वा है वो बहुत आइडियल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम। ये आप डायग्राम में देखिए, ये कल्चर ट्यूब्स हैं, ड्रोसोफिला जो है इसके अंदर कल्चर किया जा रहा है। तो इसमें से एक ट्यूब हम यहाँ पे दिखाते हैं अलग से। अब यहाँ पे देखें, ये जो लार्वीज हैं जो कि ट्यूब के वॉल के ऊपर चढ़ रही हैं, ये थर्ड इंस्टार लार्वा होता है। तो हम इनमें से 2 लार्वीज को हम ले लेते हैं और इसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं।
ये देखिए, ये दो जो है ये थर्ड इंस्टार लार्वा है। इसके अंदर आप देखिए हेड एंड टेल, इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो हेड वाला पोर्शन है उसके अंदर एक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, और जो उसको ऑपोजिट साइड है नेचुरली इट इज़ टेल साइड। इसके लिए आपको क्या करना है कि दो जो है नीडल्स उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, और आप जो है हेड एंड जो टेल रीजन है उसको प्रेस करके स्ट्रेच कर दीजिए। इससे क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए, आपको यहाँ पे जो अंदर है विसरा निकल के आ जाता है, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये आपको फ्लोट करता हुआ मीडियम में दिखाई पड़ता है। इस लार्वा का डिसेक्शन हम नॉर्मल सलाइन में करते हैं, सेलिवरी ग्लैंड को रिटेन कर लिया जाता है और बाकी जो मटेरियल्स हैं उसको स्लाइड से रिमूव कर दिया जाता है। सेलिवरी ग्लैंड के रिमूवल में दो चैलेंजेस आते हैं जैसे मेरा एक्सपीरियंस है। एक तो ये है कि जब आप उसको थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो सेलिवरी ग्लैंड जनरली जो है नीडल्स में चिपक जाता है, और दूसरी बात ये आती है वो है कि सेलिवरी ग्लैंड के जो वेंट्रल साइड है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का फैट बॉडी जो है वो अटैच्ड रहता है। उस फैट बॉडी को निकालना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत क्लैरिटी नहीं आती है स्लाइड्स के अंदर। तो ये दो चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को हम रेगुलर डिसेक्शन की प्रैक्टिस से ओवरकम कर सकते हैं। ये जो डिसेक्शन है ये हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं। आप सेलिवरी ग्लैंड को तीन फीचर्स से पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पेयर्ड दिखाई देगा और आइडेंटिकल दिखाई देगा, एक जैसा एक पेयर आपको दिखाई देगा, और उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसके अंदर एक चमक आती है, वो ट्रांसलूसेंट सा उसके अपीयरेंस होता है। और तीसरा जो फीचर है वो है उसके नीचे जो है एक फैट बॉडी उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। तो इस तरह से आपको जो है सेलिवरी ग्लैंड्स को साफ़ करके और जो डिब्रीज हैं उसको रिमूव करना होता है, और इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेलिवरी ग्लैंड किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो। इस तरह से सेलिवरी ग्लैंड रिमूव करने के बाद और पूरा इसको क्लीन करने के बाद इसके ऊपर दो ड्रॉप्स एसिड टू अल्कोहल का डालना होता है, और इसे 10 मिनट्स तक एज इट इज़ छोड़ देना पड़ता है। 10 मिनट्स के बाद एसिटो अल्कोहल को फिल्टर पेपर से रिमूव कर दिया जाता है, और इसके ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स एसिटोकार्मिन डाला जाता है। इस तरह सेलिवरी ग्लैंड को 5 to 10 मिनट्स तक एसिटोकार्मिन में रखा जाता है, और फिर फ्रेश एसिटोकार्मिन एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल करके कवर स्लिप लगा दिया जाता है। कवर स्लिप लगाने के बाद इसको जेंटली इनक्यूबेट करते हैं, माइल्ड हीटिंग करते हैं इसको ऑन द फ्लेम, और इसके चारों तरफ जो है फिल्टर पेपर को रैप करके जेंटली थंब से प्रेस कर दिया जाता है। इस तरह से स्क्वैश प्रिपरेशन बन जाता है। इस स्लाइड को पहले लो पावर में और उसके बाद हाई पावर में ऑब्जर्व किया जाता है। जब आप लो पावर में ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको जो है एपिथेलियल सेल्स सेलिवरी ग्लैंड के दिखाई देंगे, और हर एक सेल के अंदर आपको नॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो नॉट जो होता है वो एक्चुअली पॉलीटिन क्रोमोसोम होता है। जब आप इसको हाई पावर में देखेंगे तो आपको पॉलीटिन क्रोमोसोम्स के आर्म्स और बैंड्स भी नज़र आएंगे। इस तरह इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि ड्रोसोफिला के सेलिवरी ग्लैंड की स्लाइड हम किस प्रकार से बना सकते हैं, और उसमें पॉलीटिन क्रोमोसोम्स को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। हैप्पी लर्निंग।